नमस्ते, जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हो? मॉर्निंग हो गया है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। सुबह सुबह मेरा यहाँ पे पेन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई शायद, तो यहाँ पे थोड़ा पेन हो रहा है। और हम लोग उठ के, एक्चुअली मैं और मेरे दोस्त दोनों है ना, हम दोनों ही उठे जल्दी और दोनों ही प्लान करें चलो, ये लोग तो सोते रहेंगे, उनको रेस्ट भी दे देते हैं। और वैसे मेरे हस्बैंड तो गाड़ी भी चला रहे थे और उनको भी आज दिन भर चलाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग सोचे कि चलिए हम लोग ही घूम के आते हैं और चाय वाय मिलेगा तो पी लेते हैं, देखते हैं कुछ मिलेगा तो अंडा वगैरह कुछ ले लेते हैं ब्रेड के साथ खाने के लिए अभी तुरंत नाश्ते के लिए, फिर हमें कहाँ पर रुकना पड़ेगा और कुछ मिलेगा तो खाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग थोड़ा वैसे वॉक करने के लिए और ऐसे ही घूमने के लिए, थोड़ा मॉर्निंग व्यू जो है ना, उन जो नज़ारा है देखिए अभी, इसका आनंद लेने के लिए हम लोग दोनों आ गए हैं। थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और क्या करेंगे देखते हैं, तो आप लोग देखते रहिए हम लोग कब निकलते हैं यहाँ से पता नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि अभी निकल जाएंगे तो टाइम पे पहुँच जाएंगे, अभी इतना कितना ज़ोर से शोर हो रहा है तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। तो आप लोग ना ऐसा करिए कि हिंदी चैनल जो मेरा है, तो जो हिंदी चैनल है ना उसको भी देखते रहिए और उड़िया चैनल जो है उसको भी देखते रहिए, तो आपको मालूम पड़ेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं क्या खा रहे हैं। तो दोनों में ही मैं डिवाइड करके डाल रही हूँ वीडियोस, तो अच्छा अच्छा वीडियोस आएगा दोस्तों, आप लोग देखते रहिए। मसाला टी ना, अदरक वाला टी है ना, आमला वाला टी। अंते मैडम क्या प्राइस है? 20 रुपीज़। तो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा सा मसाला कड़क चाय मिल गया। ये पीने के बाद मैंने यहाँ से कुछ अंडे लिए जो कि उबला हुआ था, वो लोग बेच रहे थे, बहुत ही अच्छा अच्छा खाना बेच रहे थे, तो मैं अंडा ले ली। मेरे दोस्त जो है ना वो इडली ले ली अपनी फैमिली के लिए। अंडे को हम लोग ऐसे ही ब्रेड के ऊपर लगा के खा लिए। तो अभी ना हम लोग निकल रहे हैं, ये जो है ना रूम है, मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ हम लोग कल ही आए थे शाम को। तो हम लोग हैदराबाद से आए, अभी उड़ीसा जाना है, तो उड़ीसा जाने के लिए हम लोग को सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। तो अभी ना टाइम हुआ है 8:30, तो थोड़ा सा नाश्ता करके हम लोग निकल रहे हैं। ये है ना श्री श्रीनिवास गेस्ट हाउस है, एक्चुअली वी आर सपोज टू स्टे इन महावीर लज, जो कि हम लोगों ने रास्ते पे आते आते इंटरनेट पे सर्च करा कहाँ पे रुकेंगे क्या करेंगे करके, लेकिन उनको बात करके पता चला वो भी उड़िया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग उड़िया रहते हैं और उनका होटल्स और लॉज भी रहता है। तो उनसे बात करके पता चला कि उनके पास वैकेंसी नहीं था, तो दूसरे जगह हम लोग को वहाँ पर रुकना पड़ा। तो अच्छा खासा था, थोड़ा एक्सपेंसिव लगा हम लोग को सिटी के हिसाब से, जगह के हिसाब से, बट दैट्स ओके, वी हैव टू स्टे है ना। सो उसके बाद हम लोगों ने सुबह सुबह हम लोग निकल पड़े। मुझे एक कॉल आया मेरी मम्मी का, तो कि यहाँ पे अगर आप लोग आए हो तो कैलाशगिरी ज़रूर जाना। कैलाशगिरी जो है ना वो बहुत ही अच्छा सा व्यू है, तो आप लोग वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। लेकिन बहुत ज़्यादा धूप भी पड़ रहा था, तो हम लोग सोचे कि ठीक है क्यों ना हम लोग मतलब जाके एक बार घूम के आए, एक बार आए हैं दूसरे बार थोड़ी ना आएंगे इस जगह पे। तो हम लोग सोच के फिर निकल पड़े और हम लोग जहाँ पे रुके थे वहाँ से जस्ट 3.5 किलोमीटर का दूरी पर ही था, तो ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कैलाशगिरी। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ कैलाशगिरी पर्वत, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा घूमेंगे। हम लोग जहाँ पे थे ना वहाँ से ये जो जगह है ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पर था, और वहाँ पे यहाँ पे ट्रेन भी है भाई, तो घूमेंगे थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो ये रहा कैलाशगिरी जो पार्क है ये है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर जा रहे हैं। अरे बहुत बड़ी एरिया में है, शायद पार्क वगैरह भी है, बच्चे खेलने के लिए बहुत अच्छी प्लेस भी है। और इसको कवर करना ज़रूरी था क्योंकि पता चला बहुत ही पास में है, तो क्यों ना इसको कवर करें। तो सुबह सुबह ही हम निकल आए, 9 बजे वहाँ से निकले थे, तो हम लोग यहाँ पे बस आधे घंटे में रीच हो गए। तो यहाँ से हम लोग फिर से घूम के अच्छे से फिर हम लोग जाएंगे उड़ीसा की तरफ, हम लोग जाएंगे। चलिए